हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे सिमिलर ट्रायंगल्स की, जो मैंने डीपीएस आप लोगों को दे रखी थी। उसके अंदर एक डीपीएस है जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स मैं आप लोगों को डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को करने में आसानी आए। हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि दो ट्रायंगल के सिमिलरिटी के लिए हमने जो प्रूफ देखे हैं, एक तो एंगल सिमिलरिटी वाला देखा है, SSS वाला देखा है, एक साइड एंगल वाला सिमिलरिटी का प्रूफ देखा है। उन्हीं के थ्रू हम जो भी क्वेश्चंस होंगे उसके थ्रू जाएंगे स्टूडेंट्स। जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमको एक ट्रायंगल दे रखा है डायग्राम में, क्वेश्चन के अंदर ABCED एक इस तरीके से इसके अंदर लाइन दी हुई है, जहाँ पे जो डी एंगल है वो बी एंगल के इक्वल गिवन है क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट। एंगल ADE इक्वल्स टू एंगल बी, साथ में आपको शो करना है कि ADE ABC के क्या है, सिमिलर है। तो हम चलते हैं स्टूडेंट इसके लिए, इसके सॉल्यूशन में देखते हैं। हम ट्रायंगल लेते हैं ADE एंड दूसरा ट्रायंगल आपका हो गया ABC स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एंगल आप देखेंगे हमें क्वेश्चन में गिवन है, एंगल ADE इज इक्वल्स टू एंगल ABC, ये आपको गिवन ही है स्टूडेंट। सेकंड अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो आप देखेंगे कि जो BCA अगर हम एंगल की बात करेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास में एक एंगल ये वाला एंगल DAE, एंगल DAE इज इक्वल्स टू एंगल BAC, एंगल BAC ये कॉमन है। तो दो ट्राइंगल के अंदर अगर दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर आपके इक्वल हो जाते हैं, तो एंगल सिमिलरिटी से ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC बाय AA क्राइटेरियन। यानी कि AA क्राइटेरियन से हमने इन दोनों ट्राइंगल को क्या कर दिया है, सिमिलर। अगला जो पार्ट है वो हमको बोल रहा है कि हमें DE फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है कि हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगी, AD अपॉन AB इजिकल्स टू कितना दे रखा है, DE अपॉन मतलब हम लिख सकते हैं BC और इजिकल्स टू AE अपॉन AC। तो स्टूडेंट हमें क्या लेना है वो हमें थोड़ा देखना पड़ेगा, हमें क्या क्या गिवन है। हमको AD गिवन है स्टूडेंट्स, हमको AE गिवन है, हमको AE गिवन है, ठीक है ना, और हमको BE गिवन है और BC गिवन है। तो स्टूडेंट ये वाला पार्ट तो हमको लेना ही लेना है, और हमें AE और AC हमें ये भी लेना पड़ेगा, क्योंकि जो AC है वो हमको, हाँ AC अगर हम बात करते हैं तो हमें दिक्कत आएगी, हमें AD की अगर हम बात करते हैं तो वो हमको गिवन है, AB अगर हम देखते हैं AB भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, BC भी हम फाइंड, वैसे तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमें चीज़ें मिल जाएंगी। तो हमें क्या चीज़ देखनी पड़ेगी यहाँ पर, चलो एक बार हम लेके चलते हैं इन दोनों पार्ट को, दैट इज़ AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू DE अपॉन BC स्टूडेंट। तो DE हमारे पास में कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है, BC हमारे पास में कितना है 4.2 है, AD हमारे पास 3.8 है, AB हम इससे AE प्लस EB से निकाल सकते हैं। तो दैट इज AD इज इक्वल्स टू कितना है, दैट इज 3.8, AB की अगर हम बात करेंगे दैट इज AE प्लस EB इज इक्वल्स टू DE और होल्ड डिवाइड बाय BC कितना दे रखा है आपको सुन, दैट इज 4.2। तो इसकी वैल्यू उसको भी लिख लेते हैं हम, दैट इज 3.8 होल्ड डिवाइड बाय AE कितना गिवन है स्टूडेंट आपको 3.6 प्लस EB कितना गिवन है आपको दैट इज 2.1, दिस इज इक्वल्स टू कितना है DE होल डिवाइड बाय 4.2। इसको और सिंप्लीफाइड कर रहा हूँ यार, अब नहीं कर रहा हूँ, दैट इज 3.8 होल डिवाइडेड बाय कितना हो गया 5.7 पॉइंट यहाँ से हटा देते हैं, एंड दिस इज इक्वल्स टू DE
होल डिवाइडेड बाय 4.2। इस 4.2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 38 इंटू 4.2 होल डिवाइडेड बाय 557 एंड इजुकस कितना आ गया डी ई। स्टूडेंट ए पॉइंट हटा दीजिए, नीचे 10 लिख लीजिए। अब देखते हैं हम क्या होगा, इसको डिवाइड करते हैं तो स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। 3 से जा रहा है, 3 1 जा 3 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 3 9 जा 27, 19 2 जा 38, दैट इज 28/10। एजुकेशन डी ई गिवन है तो 2.8 हो जाएगा, यहाँ से वो हट जाएगा। तो स्टूडेंट डी ई की वैल्यू कितनी आई, 2.8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आपको 10th दिया हुआ है, दैट इज गिवन फिगर में आपको ए ए अपॉन ओ सी बी ओ अपॉन ओ डी एजुकेशन 1/2 इनका रेशियो सेम दिया हुआ है एंड साइड ए बी की लेंथ आपको 5 सेंटीमीटर दे रखी है, तो कह रहा है कि डी सी की साइड फाइंड आउट करिए। तो अगर हम यहाँ पे स्टूडेंट बात करते हैं ट्राइंगल ए ओ बी की एंड एक ट्राइंगल दूसरा ले रहा हूँ मैं, दैट इज़ ट्राइंगल सी ओ डी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से हमें सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखिए एंगल ए ओ बी इजुकस टू एंगल सी ओ डी, दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो स्टूडेंट हमने वो इक्वल कर दिए। ये कंडीशन हमको गिवन है कि ए ओ अपॉन ओ सी इजुकस टू बी ओ अपॉन ओ डी, ये आपको गिवन है स्टूडेंट। तो आपको पता है कि साइड एंगल साइड क्राइटेरियन से यहाँ पे ट्राइंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ओ डी बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरियन से। तो इस पार्ट से अगर हमें ये पार्ट क्लियर है तो हमें डेफिनेटली हमें डी सी फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट हम क्या लिखेंगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपको पता है कि प्रोपोर्शनल होगा, दैट इज ओ बी अपॉन ओ डी दैट इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन सी डी। आपको पता है कि ओ बी अपॉन ओ डी इज इक्वल्स टू, ये आपको 1/2 गिवन है, इसको मैं 1/2 लिख रहा हूँ। ए बी आपको गिवन है दैट इज 5 है, ये सी डी आपको गिवन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा स्टूडेंट, दैट इज सी डी इज इक्वल्स टू 5 × 2 दैट इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी आपको दिया हुआ है, देन प्रूव दैट एंगल ट्राइंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ओ डी। तो क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है कि जो ए ओ बी ट्राइंगल है एंड ट्राइंगल हम सी ओ डी में जाएंगे, तो आपको एक कंडीशन तो गिवन ही है, एंगल ओ ए बी इज इक्वल्स टू ओ ए बी इज इक्वल्स टू एंगल आपको दे रखा है ओ सी डी, दैट इज़ गिवन कि ये आपका इक्वल है। डायग्राम से मालूम पड़ रहा है कि राइट एंगल है लेकिन हम इसको गिवन ही लिखेंगे। एंड एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी, दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो क्लियर हो गया कि जो ट्राइंगल ए ओ बी है वो सिमिलर है ट्राइंगल सी ओ डी के बाय एंगल एंगल क्राइटेरियन से स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट क्या बोलता है कि आपको ए डी और सी एक ट्राइंगल के अंदर दो एल्टीट्यूड्स दे रखे हैं। एल्टीट्यूड्स का मतलब होता है वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना सामने वाली साइड के ऊपर। तो हमारा एक एल्टीट्यूड सी हो गया जो ए बी साइड के ऊपर परपेंडिकुलर है और ए डी हो गया जो बी सी साइड पर परपेंडिकुलर है, ये गिवन है आपको। और ट्राइंगल ए बी सी में चार प्रूफ एक साथ बताने की बात कर रहे हैं। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है तो ये बहुत ही आसान हो गया। अब इन चार चार चीज़ों को देख के आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं करनी है, इसका रीज़न क्लियर है क्योंकि आपको ये तो दे ही रखा है कि कौन से ट्राइंगल आपने लेने हैं। तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करता हूँ, अगर ट्राइंगल की बात करते हैं ए ई एफ एंड दूसरा ट्राइंगल अगर हम बात करते हैं सी डी एफ की अगर हम बात करते हैं, तो हम देखते हैं ए डी एफ कौन सा ट्राइंगल है, दैट इज ए डी ए ई एफ सॉरी ए ई एफ ये वाला ट्राइंगल हो गया, और सी डी एफ की बात करेंगे दैट इज सी डी एफ। तो क्लियरली दो एंगल तो हमें दिख ही रहे हैं, एक ये एंगल हो गया एक ये एंगल हो गया, दोनों एंगल दोनों ट्राइंगल के इक्वल आ रहे हैं, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर हो जाएंगे। तो हम देखते हैं लिखना है हमें बेसिकली उसको किस तरीके से, दैट इज एंगल ए ई एफ, एंगल ए ई एफ जो पैटर्न आप यहाँ फॉलो करेंगे वही यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा, दैट इज सी डी एफ
यहाँ लिखेंगे आप, क्योंकि एल्टीट्यूड है ईच 90 डिग्री तो इक्वल है। नेक्स्ट आपको पता है कि आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, तो इसलिए हमें उस एंगल को लेना है, तो हमें ई एफ ए लेना है, तो ई एफ ए लेते हैं, एंगल ई एफ ए। अगर हमने ई को फर्स्ट लिया तो यहाँ पे भी डी को फर्स्ट लेंगे, डी एफ सी, तो डी एफ सी दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। तो क्लियरली स्टूडेंट क्या हो गया, ट्राइंगल ए ई एफ इज सिमिलर टू सी डी एफ बाय एंगल एंगल क्राइटेरियंस। सिमिलरली हम आगे तीनों के तीनों प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन मैं जितने बता पा रहा हूँ आप देखिए यहाँ पे सेकंड प्रूफ में फिर अगेन ट्राइंगल लेना है आपने ए बी डी, एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, दैट इज ट्राइंगल सी बी ई, तो ए डी ए बी डी पहले ट्राइंगल देखना है आपको, दैट इज ए बी डी। नेक्स्ट है सी बी ई, दैट इज सी बी ई। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों के अंदर बी एंगल कॉमन है और एक जो एंगल है वो 90 डिग्री है, मतलब हमें देखते ही थोड़ा डायग्राम के फिगर से हमें क्लियर होना चाहिए कि हम किस तरीके से वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल सी बी ई, क्लियरली दिखाई दे रहा है कैसे, ए बी डी, ए बी डी दिस एंगल एंड सी बी ई, दैट इज सी बी ई दिस एंगल, दिस इज कॉमन। तो हमें वही चेक करना है कि हमें किस तरीके से देखना है। नेक्स्ट आपको एक चीज क्लियर थी कि जो डी ये वाला एंगल भी राइट एंगल है और ये वाला एंगल भी राइट एंगल है, तो इस वाले पार्ट पे अगर हम देखते हैं तो एंगल बी डी ए, हमने पहले बी को लिया फिर डी को लिया फिर ए को लिया, तो यहाँ पे भी ऐसे करना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू बी ई सी, देखेंगे हम बी ई सी क्या है, दैट इज बी ईच 90 डिग्री स्टूडेंट। तो क्लियर हो गया कि दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर है बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी से, दैट इज ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी ई बाय एंगल एंगल क्राइटेरियन। तो स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन भी इस तरीके से ओवर होता है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 स्टूडेंट्स, आपको गिवन है कि जो गिवन फिगर है फर्स्ट एंड सेकंड, दिस फिगर इज फर्स्ट एंड दिस फिगर इज सेकंड, इसमें गिवन है आपको कि सी डी एंड जी एच वेयर डी एंड एच लाई ऑन ए बी एंड एफ ई आर रेस्पेक्टिवली बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड ई जी एफ, यानी कि ये जो लाइन है इस एंगल का बाइसेक्टर है, यानी कि एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू है, सिमिलरली जी एच बी एंगल एफ जी ई का बाइसेक्टर है, थ्री इज इक्वल टू फोर एंगल बाइसेक्टर, इस तरीके से डी और एच ए बी और एफ ई पे दिए हुए हैं, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। साथ में ये भी गिवन है कि जो ट्राइंगल ए बी सी है वो ट्राइंगल एफ ई जी के सिमिलर है, तो अगर ये कंडीशन गिवन है तो हमें तीन रिजल्ट प्रूफ करने हैं। हमें सबसे पहले डी सी ए पे आएंगे और एच जी एफ पे जाएंगे। तो पहले हमें जो गिवन है उससे हम बात करते हैं, जो गिवन है उसमें क्या है, ट्राइंगल ए बी सी आपको गिवन है कि ट्राइंगल एफ ई जी के सिमिलर है। तो यहाँ पे एंगल्स हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे कि जो एंगल ए होगा स्टूडेंट दैट इज एंगल एफ के इक्वल होगा, और अगर हम बात करेंगे कि एंगल बी जो होगा वो एंगल ई के इक्वल होगा, और सिमिलरली एंगल सी जो होगा वो एंगल जी के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम जो हमें पूछ रहा है उसकी तरफ जाते हैं, जो हमें पूछ क्या रहा है, हम दो ट्राइंगल में जा रहे हैं, दैट इज ट्राइंगल डी सी ए एंड ट्राइंगल एच जी एफ। तो हम पहले डायग्राम से देखते हैं डी सी ए का क्या मतलब है स्टूडेंट, तो दैट इज डी सी ए, ये पार्ट आ गया। नेक्स्ट एच जी एफ का क्या मतलब, दैट इज एच जी एफ ये वाला एंगल, यानी कि टू एंड फोर, यानी कि टू एंड फोर की हम बात कर रहे हैं। टू एंड फोर की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये और साथ में ये दोनों ट्राइंगल है, तो इसमें एक चीज तो क्लियर होगी कि हमें ये वाला जो एंगल ए है वो एंगल एफ के इक्वल हो रहा है, यहाँ पे क्लियरली है। तो एंगल ए कैसे आ रहा है वो हम देखते हैं, सी ए डी, दैट इज सी ए डी, दिस इज इक्वल्स टू, हम यहाँ पे भी ऐसे चलेंगे, जी एफ एच, जी एफ एच। तो ये दोनों एंगल्स हमको गिवन है कि इक्वल हैं, क्योंकि वो दो ट्राइंगल जो ओरिजिनल ट्राइंगल हैं
वो कैसे हैं, सिमिलर, इसलिए ये दो एंगल्स इक्वल हैं। दूसरा हमारे पास में ये कंडीशन गिवन है, और बेसिकली हमारा जो ये टू एंगल है, फोर एंगल है, दिस इज हाफ ऑफ द एंगल ऑफ सी है, क्योंकि वो उसका बाइसेक्टर है। हमको पता है कि एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल जी है, तो कोई भी क्वांटिटीज अगर मैथमेटिक्स में इक्वल हैं तो उसको हम किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1/2 से इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों तरफ, तब भी वो इक्वल रहता है। तो हाफ ऑफ एंगल सी की अगर हम बात करेंगे और हाफ ऑफ एंगल जी की अगर हम बात करेंगे, तो आपको क्लियर है कि ये एंगल क्या बनेगा, ये एंगल बनेगा आपका ACD, ACD इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी आएगा FGH, ये हमने इससे फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि ये भी गिवन था, हमने उसको उसको बना लिया। तो यहाँ से क्या क्लियर हो गया स्टूडेंट कि ट्राइंगल DCA इज सिमिलर टू ट्राइंगल HGF बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन। तो पहला पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपको जो सेकंड प्रूफ है वो भी इसी पे बेस्ड लग रहा है, क्योंकि हमें CD चाहिए, तो CD हमारे पास में यहाँ से आएगा, GH यहाँ से आएगा, AC हमारे पास यहाँ से आएगा, FG यहाँ से आएगा। तो यहाँ अगर हम कंपेयर करते हैं DC अपॉन HG इजुकस टू कितना है AC, यानी कि CA इजुकस टू कितना आएगा GF। तो ये यहाँ से सेकंड रिजल्ट प्रूफ होता है। थर्ड रिजल्ट की बात करते हैं DCA, यानी कि DCB एंड HGE। तो यहाँ पे फिर देखेंगे एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 है, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, और एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E, आपको क्वेश्चन में पहले ही गिवन है कि दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो उनके ये एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये दोनों ट्राइंगल भी एंगल सिमिलरिटी से आपके इक्वल होंगे। जैसे कि हम क्वेश्चंस को देख रहे हैं, देखने में क्वेश्चंस बहुत अजीब से लग रहे हैं डायग्रामेटिकली, और वैसे देख रहे हैं बट क्वेश्चन उतने ज़्यादा हैं नहीं, तो आप लोगों को थोड़ा अप्रोच की ज़रूरत है, और इन क्वेश्चंस को जो मैं बता रहा हूँ आप उनको एक बार देखिए, इसके बाद मैं और क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट लेक्चर डाल रहा हूँ स्टूडेंट। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।